बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बिलाल अहमद और हम हैं इस्तांबुल में। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज का मौसम कैसा। आज का मौसम ऐसा है कि धूप है और ऐसा है कि टी शर्ट में जो है वो ठीक गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आपने कुछ जैकेट वगैरह पहनी हो तो आपको पसीना है, गर्मी लग सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर बारिश हो गई तो आपको जो है लाजमी कोई बड़ी जैकेट पहनना पड़ेगी। आज का व्लॉग किस बारे में है? आज हम आए हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे, और अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, टूरिस्ट वगैरह यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, और वो सामने जो है वो मस्जिद है, अंदर मज़ार है, यहाँ पे जो है वो बाज़ार है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे ये एक आइसक्रीम शॉप है। टूरिस्ट आते हैं, घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और जो ज़ियारत वगैरह करते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर के बाद हम अंदर भी चलेंगे। जैसे ही आप मज़ार पे आएंगे आपको ये लोग कुछ खास ड्रेसिंग में जो है ना वो नज़र आएंगे, और लोग इनके साथ पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों का रश लग गया, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको जब भी आएंगे आपको यहीं पर मिलेंगे। वो एक अर्तुगरुल गाज़ी जो है वो की ड्रेसिंग में है, तलवारें वगैरह के पास हैं। अभी चलते हैं वो अंदर, और अंदर जाते हैं सबसे पहले फाउंटेन तो आपको दिखाओ ना। इसके चारों तरफ लोग ही लोग हैं, मुझे वहाँ पे आना था जहाँ पे लोग ना हो। बहुत ही प्यारा ये फाउंटेन है। ये जी जैसी मज़ार से बाहर आएँ तो ये बाज़ार आपको नज़र आता है। यहाँ पे सारी शॉप्स जो है ना वो ओपन है, ठीक है, खाने पीने की, स्पेशली जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए शॉप्स वगैरह जो है ना वो खुली होती हैं। अभी कुछ दिन का अचार वगैरह है मेरे ख्याल में, वो सामने आइसक्रीम, ये स्मिथ इसको बोलते हैं। टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर तरह का टूरिस्ट जो है ना वो आपको यहाँ मिलेगा। सारे मुस्लिम नहीं हैं, कुछ फॉरेनर्स गैर मुस्लिम भी हैं, सिर्फ ये मज़ार को देखने यहाँ पे आते हैं। इस तरह अभी मज़ार का कहले के हिस्सा ही है ये बाज़ार जो है, यहाँ से वह जो फिर आगे गलियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं। अभी मैं आपको सारा दिखाता हूँ दोबारा। ये जी हम मेन गेट से एंटर हो गए हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो है फीमेल्स का एंट्रेंस है मेरे ख्याल में, और अभी चलते हैं आगे। पता नहीं यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउड है या नहीं है, लेकिन फिर भी बनाते हैं, किसी ने बोला तो वो हम बंद कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये राइट साइड पे मस्जिद है। हाँ ये मस्जिद है। अच्छा जी, ये सामने जो है ये मस्जिद है, ठीक है। इस्तांबुल, अभी पिक्चर्स बना रहे हैं तो हम आगे नहीं जा रहे, जैसे पिक्चर्स बना लें तो फिर मैं आगे जाता हूँ। ये जी टर्किश में लिखा हुआ है, ठीक है, मस्जिद का सारा 4059, ठीक। अभी चलते हैं आगे थोड़ा। ये जितना रश है ये सिर्फ आज का नहीं है, यहाँ पे रोज़ जो है ना इतना ही रश होता है। मज़ार हमें कौन से गेट से जाना है? वो सामने जो लाइन लगी है वो मज़ार की है, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। अभी चलते हैं अंदर फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, जब भी मज़ार पे आएँ, ये एक वज़ूखाना यहाँ पे है, ठीक है, और एक जो है वो यहाँ पे है। हमने वज़ू कर लिया, अभी हम जाने लगे हैं। वो सामने लाइन लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पर चलते हैं, लाइन में लगते हैं, और उसके बाद जो है फिर अंदर चलते हैं और ज़्यारत करते हैं। जब भी हम आ गए हैं मज़ार के बाहर, ठीक है, और इस साइड पे जो है वो मस्जिद है, ये बहुत पुराना दरख्त है, और ये जो इस साइड पे है ना ये मज़ार है, ठीक है, दरबार शरीफ है, और यहाँ पे लोग कुछ जो है ना वो खड़े के दुआएं वगैरह मांग रहे हैं, क्योंकि इस दीवार के उस साइड पे जो है ना वो मज़ार है, ठीक है। अगर आपने अंदर जाना है मज़ार के तो आपने लाइन में लगना है, अगर आपने दुआ वगैरह जल्दी में आप तो आपने यहाँ खड़े होकर वो दुआ मांगनी है।
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे तो आपकी ऊँटनी इनके घर जाके रुकी थी, तो ये आज उनका मज़ार था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल हुआ है कि हम यहाँ पे आए हैं, दुआ वगैरह मांगी है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप जब भी आएँ यहाँ पे आएँ और दुआ मांगें। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी अगले व्लॉग में क्या होगा, एक यहाँ पे पॉइंट है, वो लिफ्ट के थ्रू थोड़ा ना हाई पॉइंट पे जाना पड़ता है, वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा नज़र आता है इस्तांबुल का। अभी हम चलते हैं वहाँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में।